पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है और 6 स्थानों पर हैवी रेनफॉल दर्ज की गई, जिसमें अठारगढ़ कटक जिला के 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर मलकानगिरी में सबसे ज्यादा 38.5 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। उड़ीसा के जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम में ईस्ट वेस्ट जो ट्रफ है, ईस्ट उत्तर प्रदेश से होते हुए साउथ हिमालय वेस्ट बंगाल से होते हुए असम तक जाती हुई दिख रही है। इसके प्रभाव से ज्यादातर आने वाले टाइम में उड़ीसा में 5 दिन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है कुछ स्थानों पर, और हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है, जिसमें कि आज के दिन यानी आज कुछ कुछ स्थानों पर जो कि उड़ीसा के जो कोस्टल बेल्ट है वहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, और अनेक स्थानों में बाकी जो उड़ीसा बचा है अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बार डे टू में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे थ्री में जो इंटीरियर उड़ीसा है वहां अनेक स्थानों पर और ज्यादातर स्थान जो कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे फोर और फाइव में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन यानी आज जे पूरे उड़ीसा के ऊपर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा मयूरभंज, नयागढ़, कंधमाल, कालाहांडी, नौपाड़ा जिला में एक दो स्थानों पर हैवी रेनफॉल की भी येलो वार्निंग दी गई है। इसका डे टू में भी जो येलो रीजन देख रहे हैं वहां थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की येलो वार्निंग है, और कंधमाल, गंजम, कटक, ढेंकनाल, जाजपुर, केंद्रपाड़ा इन जिलों में हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी गई है। डे थ्री में जो येलो रीजन है वो आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग है। उसके अलावा मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की येलो वार्निंग दी गई है। संबलपुर, अनुगुल और बोध में हैवी एक दो स्थानों पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार डे फोर में भी सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, क्योंझर, अनुगुल, सोनपुर, बोलांगीर, कालाहांडी में हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी गई है। डे फाइव में बाड़गढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा में हैवी रेनफॉल होने की येलो वार्निंग दी गई है। एक दो स्थानों पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर के फोरकास्ट की, तो उसमें अगले 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, कंडीशन जो है अभी फर्दर एडवांसमेंट होने की जो फेवर कर रही है, तो उसके साथ क्या होगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक उड़ीसा के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ेगा।